गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला टॉपिक है चैट जीपीटी। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। आखिर में क्या है चैट जीपीटी और इतना ये ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, और पिछले साल ही ये लॉन्च हुआ था 30 नवंबर को। और इसकी जो लॉन्चिंग कंपनी है ओपन एआई है, जो कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये सपोर्ट करता है। तो काफ़ी ये ट्रेंडिंग में है। आखिर में चैट जीपीटी क्या काम करता है? तो चैट जीपीटी से हम कोई भी हम एप्लीकेशन यहाँ पे लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी से हम मूवी स्क्रिप्टिंग करवा सकते हैं, यहाँ तक कि कोई भी हम यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो चैट जीपीटी के यूज से हम उसका स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यहाँ की यदि मान लीजिए कोई ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, यदि हमें कोई भी ईमेल करना हो या सिक लीव या एप्लीकेशन हमें राइट करना हो, तब भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जितने भी हैं यहाँ इसके माध्यम से होमवर्क भी कर रहे हैं। और यहाँ की कोई भी सलूशन हो, मैथ का हो या इंग्लिश का हो या कुछ भी हो, इसके द्वारा हम इसमें डाल के ले सकते हैं। चैट जीपीटी जो है गूगल को किल कर सकता है, क्योंकि गूगल पे जब भी हम कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो वो हमें वेबसाइट की लिस्ट देता है। लेकिन चैट जीपीटी से यदि हम कोई भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं तो वो सबसे क्लोजेस्ट आंसर को हमें देता है, वो भी हमें लिख कर देता है, और हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। यदि हम कोई भी स्टोरी राइटिंग करते हैं या सॉन्ग राइटिंग करते हैं या कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो यहाँ से हम कॉपी करके इसके द्वारा हम पैसा भी कमा सकते हैं। यदि हम ब्लॉगिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके द्वारा हम कोई भी ब्लॉग को यहाँ पे हम लिख सकते हैं और उसमें कुछ चेंजिंग करके हम काफ़ी अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि चैट जीपीटी जिस दिन से लॉन्च हुआ था उसके ठीक 5 दिन के अंदर ही 5 मिलियन यूजर ने रजिस्टर किया था, और इतना ज़्यादा अमाउंट में अभी तक कोई भी इतना ग्रोथ नहीं किया है जितना कि चैट जीपीटी ने किया है। हम इसके द्वारा यदि कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वेबसाइट की कोडिंग करना चाहते हैं तो भी ये चैट जीपीटी हमें कुछ ही सेकंडों में करके हमें दे देता है। अभी ये बीटा वर्जन पे चैट जीपीटी वर्क कर रहा है, तो इसलिए अभी हम इसे फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये पेड वर्जन हो सकता है। तो चलिए अभी हम फ्री वर्जन ही यूज करके इसका हम काफ़ी फायदा लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़ जाएं, ताकि ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ गूगल में सर्च करते हैं चैट जीपीटी और इंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं तो ये जो पहला वेबसाइट यहाँ पर शो कर रहा है चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग, इसी को हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि चैट जीपीटी इज अ चैट बॉट लॉन्च्ड बाय ओपन एआई इन नवंबर 2020, और ये यहाँ पे रिलीज दे रहा है और डेवलपर यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम पहले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने चैट जीपीटी का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया है और चैट जीपीटी का यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी का लॉगिन यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, एक लॉगिन है और साइन अप है। यदि आपका पहले से ही अकाउंट है तो यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं और साइन अप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे साइन अप करते हैं, और यहाँ पे साइन अप करने के लिए ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम अपना देंगे, और ईमेल एड्रेस देने के बाद इसे हम साइन अप कर लेंगे। और ईमेल एड्रेस जैसे ही हम देंगे साइन अप करने के लिए तो ये एक हमें वेरिफिकेशन कोड देगा। जैसे ये साइन अप होता है तो एक हमें वेरीफाई ईमेल का यहाँ पे ऑप्शन देता है कि हमें ईमेल को वेरीफाई करना है, उसके बाद ही हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ईमेल को हम वेरीफाई करते हैं और अपने जीमेल अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। हमारे सामने जीमेल अकाउंट यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल पे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे कर लेते हैं। वेरीफाई होने के बाद उसके बाद हमें ये अपने बारे में हमें पूछता है कि अपने बारे में बताइए, तो जो भी आपका नेम है और लास्ट नेम है
यहाँ पे हम दे देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, और इसके बाद एक फ़ोन नंबर को भी वेरीफाई करना होगा। तो फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हम एक अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। फ़ोन नंबर जैसे ही डालते हैं तो एक हमें वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आता है, और उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे हम जैसे ही इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाता है, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे जो हमारे फ़ोन पे भेजा गया है उसे डालने के बाद। तो यहाँ तक हमारा, तो हमें चैट जीपीटी में लॉगिन होने के लिए इतना प्रोसेस हमें यहाँ पे करना होगा। और देखिए यहाँ पे पहला जो इंटरफेस यहाँ पे शो कर रहा है, दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हाउ वी कलेक्ट डाटा का यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है कि हम अपने डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो पहला जो है, कन्वर्सेशन में बी रिव्यूड बाई आवर AI ट्रेनर्स टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं उसको यहाँ पे जो AI ट्रेनर्स हैं उसे इम्प्रूव करते हैं इसी को रिव्यू करके, और कोई भी इसमें अपना सेंसिटिव डाटा यहाँ पे शेयर ना करें। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी दिया है कि प्लीज़ डो नॉट शेयर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और नेक्स्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं, और हमारे सामने चैट जीपीटी का इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है। इस प्रकार हम अपने चैट जीपीटी का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और यहाँ पे साइन अप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इंटरफेस है, यहाँ पे जो भी हम चैटिंग करेंगे यहाँ पे ये चैट यहाँ पे शो कर रहा है न्यू चैट, और यहाँ पे मोड यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं डार्क मोड और लाइट मोड, और काफ़ी इसमें सिंपल सा इसमें ऑप्शन है, और इसे यूज़ करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला लिखते हैं कि राइट ए अप्लीकेशन फॉर सिक लीव। जैसे कि हम यहाँ पे सिक लीव के लिए एक यहाँ पे अप्लीकेशन यहाँ पे हम लिखने के लिए बोल रहा है, और इंटर करते हैं, तो देखिए ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, और यहाँ पे डियर और मैनेजर नेम यहाँ पे शो कर रहा है, और ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लिख के दे दे रहा है, और हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना है, और चेंजिंग करने के बाद इसे हम कॉपी करके हम इसे सेंड कर सकते हैं। और ये सिक लीव है, यदि हमें छुट्टी चाहिए तो उसके लिए हमें अपने कंपनी में इसे हम सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई भी इंफॉर्मेटिव यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक IT इंटेलिजेंस हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं कि व्हाट इज़ IT एनालिस्ट वर्क, और यहाँ पे जैसे ही हम IT एनालिस्ट वर्क यहाँ पर डालते हैं, और इसके बारे में देखिए ये क्या देता है। तो यहाँ पे जो भी IT एनालिस्ट का यहाँ पे वर्क होता है ये पूरा डिफिनेशन सहित यहाँ पे दे रहा है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें ये लिख रहा है, और इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, और ट्रेनिंग किसे देता है, सपोर्ट किसे करता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दे दे रहा है। इसके बाद इसे हम स्टॉप जनरेट करने के लिए कहते हैं, और यहाँ पे एक सॉन्ग लिखते हैं, तो राइट ए हिंदी सॉन्ग, उसके बाद इंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सॉन्ग लिखता है या नहीं लिखता है। तो देखिए यहाँ पे एक हिंदी सॉन्ग से यहाँ पे लिरिक्स लिख रहा है, दिल में है प्यार जग में है दर्द, ये ऐसा करके यहाँ पे एक सॉन्ग यहाँ पे लिख रहा है। इसके बाद हम आगे का यहाँ पे ट्राई करते हैं कि यदि हमें लव लेटर लिखना होगा किसी को भी तो वो आखिर में कैसे लिखता है। तो यहाँ पे राइट ए लव लेटर यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद ये देखिए एक लेटर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख रहा है, और देखिए यहाँ पे लिखना शुरू किया है। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पे लव लेटर यहाँ पे ये लिखना शुरू कर रहा है, और काफ़ी ये अच्छे तरीके से हिंदी में भी लिख रहा है, कोई भी आप लैंग्वेज में इसका यूज कर सकते हैं। अब इसे हम स्टॉप जनरेट करते हैं, और इसके बाद हम कोई भी यदि YouTube पे हम काम करते हैं और यहाँ पे हम YouTube का कोई भी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं किसी भी वीडियो के लिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट ए यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन टेक। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे टेक चैनल के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है कि आप ये पूरा डाल सकते हैं, जो कि ये
टेक चैनल के लिए स्क्रिप्ट है ये, और इसे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप उठा के पेस्ट कर सकते हैं। इसे हम स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम कोई भी मैथमेटिकल्स का यहाँ पे सवाल यहाँ पे टाइप करते हैं। तो देखिए, यदि हम मैथमेटिकल्स का कुछ भी यहाँ पे हम टाइप कर दें, कुछ भी हम कर दें, तो पूरा का पूरा यहाँ पे ये सॉल्व करके हमें यहाँ पे दे देता है। तो एक्सप्रेशन का जो भी है, हमने कुछ यहाँ पे गलत लिखा था, तो ये इसे सही करके हमें इसका आंसर हमें दे दिया है। इसके बाद हम वेबसाइट का यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक वेबसाइट को हम कैसे बनाएं। तो मेक ए वेबसाइट, तो यहाँ पे देखते हैं कि मेक ए वेबसाइट लिखने के बाद ये क्या लिखता है, और ये वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं, और इसके बारे में हमें पूरा का पूरा देखते हैं। यदि हम इसको कोड लिखने के लिए बोलें कि मेक ए वेबसाइट कोड, तो फिर देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता है। तो यहाँ पे एक HTML यहाँ पे वेबसाइट का यहाँ पे कोड यहाँ पे लिख के दे रहा है कि, और यहाँ पे एक ऑप्शन भी दे रहा है कॉपी करने के लिए। यहाँ पे हमें कोड ये खुद पे खुद लिख दे रहा है, और यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद हम डायरेक्ट इसे हम पेस्ट कर देंगे, और हमारा वेबसाइट के लिए कोड ये ओके है, जो कि HTML कोड यहाँ पे ये लिख रहा है। इसके बाद हम एक और ट्राई करते हैं कि क्या ये एथिकल हैकिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं है। तो एथिकल हैकिंग के लिए यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो ये दे देगा, लेकिन एथिकल हैकिंग का कोई भी यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हैक वाईफाई पासवर्ड, तो ये देखिए एथिकल हैकिंग को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हैकिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा है कि आई एम सॉरी बट हैकिंग इनटू समवन एल्स वाईफाई नेटवर्क इलीगल एंड अनएथिकल, तो कोई भी अनएथिकल ये काम नहीं करेगा और ना ही इलीगल काम करेगा। तो हमारे लिए टीचिंग के लिए हो, चाहे वेबसाइट के लिए हो या ब्लॉगिंग के लिए हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हमें लग रहा है। जो भी हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च बार में, यहाँ पे चैट में, यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉग लिखने के लिए यहाँ पे बोलते हैं, तो राइट ए ब्लॉग ऑन टूरिस्ट, हम इस पे एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आखिर में ये टूरिस्ट पे ये क्या ब्लॉग लिख रहा है। तो देखिए, ये ब्लॉग भी लिखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है?